Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Hot Flame. आज मैं आपके साथ जौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है डोनट्स की. डोनट्स की ये वाली रेसिपी बहुत ईजी है. आने वाली किसी वीडियो में मैं आपके साथ इसकी एक ट्रिकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल हम इस सिंपल रेसिपी से स्टार्ट करते हैं. आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा, और मेरे चैनल को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए हम अपने इन रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बाउल और उसमें हम दो मेयरिंग कप मैदा डालेंगे. दो के तकरीबन 400 ग्राम के बराबर होगा. दो कप हमने मैदा डाल लिया है. अब हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून यीस्ट, 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून कैस्टर शुगर, 1, 2 and 3. इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम मिक्स करेंगे. इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 एग, जिसको कि हमने बीट करके रख लिया था. हाफ कप मिल्क, 1/4 कप मेल्टेड बटर एंड 1 टीस्पून वनीला एसेंस. इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इनको एक डो की शक्ल देंगे, जो कि ना बहुत सख्त होगी और ना ही बहुत स्टिकी. अब हम इसका बाकी जो काम है वो हाथ से करेंगे. ये देखिए, अब इस हम सारे को निकाल कर शेल्फ पे रखेंगे. इस पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको नीड करेंगे. इसको हम जितना नीड करें उतना ही ज़्यादा अच्छी इसकी डो बनेगी. देखिए इस तरह से. आप इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक यूं ही नीड करें. ये देखिए हमारी डो कितनी सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है. अब हम इसको एक बॉल की शक्ल में बनाकर एक बाउल में रखेंगे और इसको कवर करके हम किचन में ही वार्म प्लेस में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए. अगर मौसम ठंडा है तो फिर ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, और अगर गर्म टेम्परेचर है तो उसमें 1 घंटे में हमारी ये डो जो है ये अपने राइज होकर अपने साइज़ में डबल हो जाएगी. घंटा गुजर चुका है और अब हम अपनी इस डो को देखेंगे. देखिए हमारी डो फूल कर साइज़ में डबल हो चुकी है. अब हम इस सारी डो को फर्स्ट हम अपना बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और सारी डो को निकाल कर हम बोर्ड पे रखेंगे. इसको हम थोड़ा सा नीड करेंगे. चलें 2 मिनट के लिए आप अपनी डो को दोबारा नीड करें ताकि उसमें से जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं. अब हम अपनी रोटी को बेलना शुरू करेंगे. थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और अपनी रोटी को बेलेंगे. चलें जी, हमने ये रोटी बेल ली है और इस थिकनेस पे हमने इसको बेल कर तैयार किया है.
अब आप कोई डोनट कटर ले लें या कोई भी किसी बॉटल का कैप, मैंने ये बॉटल का इस साइज़ का कैप लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से डोनट का साइज़ बड़ा या छोटा रख सकते हैं। अब मैं इसको यूँ इसकी कटिंग करूँगी, जितने भी इसमें से ये सर्कल्स बन सकते हैं आप बना लीजिए इस तरह से। मेरे ये 5 डोनट्स बने हैं। अब आप एक छोटा कैप लेके किसी बॉटल का, उसके साथ इसके सेंटर में से एक और सर्कल निकालना है हमें, ताकि ये डोनट की शक्ल में आ जाए। अब एक नाइफ के साथ हम इनके सेंटर पीसेस को उठा देंगे इस तरह से। एक ट्रे लेंगे, उसको मैदे के साथ थोड़ा सा डस्ट करेंगे और हम अपने तमाम डोनट्स को बारी बारी उठाकर लाइक दिस इसमें रखते जाएंगे। यूँ ये देखिए इजीली ये निकलते जा रहे हैं और हमने इनको अपनी डस्ट की हुई ट्रे में रख दिया है इस तरह से। हम अपने बाकी तमाम डोनट्स भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए इनको किसी कपड़े से कवर करके किचन में छोड़ देंगे। जो ही वो थोड़े से राइस हो जाएंगे तो फिर हम इनको डीप फ्राई करना शुरू करेंगे। हमने 15 से 20 मिनट के लिए अपने ये डोनट्स की कटिंग करके इनको दोबारा से राइस होने के लिए छोड़ दिया था और ये अब अपने साइज से ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। हमने पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, जो कि गरम हो चुका है। हमारे जो हैं डोनट्स, उनको हम अब एक एक करके इसमें डालना शुरू करेंगे। ऑयल जो है वो हमने उसके नीचे जो हीट है वो बस मीडियम टू स्लो रखनी है और हम इसमें अपने यूँ डोनट्स डालते जाएंगे। ये देखिए हमारे पैन का साइज बड़ा था तो इसमें हमारे 6 डोनट पूरे आ गए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए यूं ही पकने देंगे और थोड़ी देर के बाद एक साइड लाइट गोल्डन हो जाएगी जब, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए हमें नज़र आ रहा है कि उनकी नीचे वाली साइड जो है वो हल्की हल्की गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम उनकी एक एक करके साइड चेंज करते जाएंगे आराम आराम से। आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिए सबका कलर हमने चेंज कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा कलर भी उस पर गोल्डन आ गया है और वो फूल भी गए हैं। अब हम थोड़ी देर इसको मज़ीद पकाएंगे और अपनी पसंद का गोल्डन कलर होने तक इनकी साइडें पलटकर इनको फ्राई करेंगे। हमारे डोनट्स फ्राई हो चुके हैं, इनकी दोनों साइडों पर बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इनको एक एक करके अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। इनको किसी नैपकिन पर या टिश्यू पेपर पर निकालेंगे और फिर हम इनको किसी खूबसूरत सी डिश में डिश आउट करेंगे। हमने अपने डोनट्स को फ्राई कर लिया, अब हम उनकी तैयार करेंगे टॉपिंग। टॉपिंग के लिए हमने ये 2 चॉकलेट्स लिए हैं, एक वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क चॉकलेट ली है मैंने 60 ग्राम और मिल्क चॉकलेट मैंने ली है 50 ग्राम और वाइट चॉकलेट मैंने ली है 60 ग्राम। इनको या तो आप डबल बॉयलर के साथ मेल्ट कर लें या फिर आप ओवन में 20 से 30 सेकेंड के लिए रखिए और ये मेल्ट कर लें। हमारी चॉकलेट, दोनों चॉकलेट्स हमारी मेल्ट हो चुकी हैं। अब हम अपने डोनट्स को इनके ऊपर हम शुरू करते हैं टॉपिंग करनी। एक डोनट लेंगे, उसको हम चॉकलेट में यूँ डिप करेंगे और ये देखिए
इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। फिर हम अपनी वाइट चॉकलेट लगाएंगे। ये हमारी वाइट चॉकलेट भी लग चुकी है। अब हम इनके ऊपर स्प्रिंकल्स डालेंगे। आप किसी भी तरह के स्प्रिंकल्स, किसी भी तरह कलर के, अपनी चॉइस से इनको डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हैं जी हमारे खूबसूरत से डोनट्स, जो कि देखने में भी बहुत यम्मी लग रहे हैं, और आप इनको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। और मेरे चैनल को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।